हेलो फ्रेंड्स, आज हम सबसे पहले देखेंगे फोर टक्स सिंपल ब्लाउज कटिंग। इसके लिए मैंने लिया है अच्छे से नाप वाला, जो हमारा अच्छा फिटिंग वाला नाप है वही ब्लाउज हमें लेना है। उसके नाप से हम पेपर कटिंग बनाएंगे। तो आपको दिखा देती हूँ फोर टक्स कैसे होता है। ये है फोर टक्स ब्लाउज, बिल्कुल ही सिंपल ब्लाउज कहलाता है ये। तो हम देखेंगे सिंपल फोर टक्स ब्लाउज कटिंग, जिसके लिए हमने सबसे पहले एक पेपर लिया है। हम पेपर पे पहले कटिंग देखेंगे, इसका कटिंग किस तरीके से, पेपर कटिंग किस तरीके से बनाना है। तो सबसे पहले तो ब्लाउज की हमें लेंथ लेनी है, लंबाई। ये अच्छे से नाप वाला ब्लाउज है। मैं फिर से आपको दिखाती हूँ, बताती हूँ कि जो हमारा कंप्लीट परफेक्ट फिटिंग वाला ब्लाउज है वही आपको नाप के लिए लेना है। अगर इससे आप पेपर कटिंग बनाएंगे तो आपका पेपर कटिंग बहुत ही अच्छा बनेगा, और पेपर कटिंग के हिसाब से जो आप नया ब्लाउज स्टिच करने जा रहे हैं वो भी आपका अच्छे से बन रेडी हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने अच्छे से फिटिंग वाला ब्लाउज लिया है, उसकी हम लेंथ देखेंगे। तो फ्रेंड्स, लेंथ है हमारे ब्लाउज की 13 इंच। हमारे ब्लाउज की एग्जिट लेंथ है, जो एग्जिट लेंथ है वो है 13। तो लेंथ के लिए हमें इसमें प्लस करना है पहले तो 1/4 इंच। 1/4 इंच यानी हो जाएगा 1.25, और 1/2 इंच और प्लस करना है, यानी टोटल हमें 1.25 इंच प्लस करना है। फिर से मैं बोलती हूँ, एग्जिट नाप है 13 इंच, उसमें हमें 1/4 इंच प्लस करना है, और उसके बाद 1/2 इंच और प्लस करना है, क्योंकि ये बेल्ट वाला फोर टक्स ब्लाउज है, इसीलिए हम इसमें टोटल एग्जिट नाप से 1.25 इंच प्लस करेंगे, यानी हमें लेंथ लेनी है 1.5। हम 1.5 पे मार्क करेंगे। हमने लेंथ के लिए 1.5 पे मार्क कर दिया है। उसके बाद हम लेंगे चौड़ाई। तो चौड़ाई जो लेनी है हमें, हुक वाली साइड जो ब्लाउज की होती है वहीं से लेनी है। हुक वाली जो ब्लाउज की साइड है वहां से हमें लेते हुए, जो हमारा आर्म होल का हिस्सा है वहां की जो जॉइंट वाली सिलाई है वहां तक हमें लेनी है। खींचना नहीं है ब्लाउज को, ब्लाउज के खींचते हुए हमें चौड़ाई नहीं लेनी है, ऐसे ही रखकर अच्छे से नाप लेना है। तो 8.5 इंच ब्लाउज की चौड़ाई है, 8.5 इंच में हमें 1/4 इंच प्लस करना है, तो हो जाते हैं 1.5 इंच। 8.5, 9.5 और 1.5 इंच, 1/4 इंच हम प्लस करेंगे तो हमारी चौड़ाई हो जाएगी 1.5 इंच। 1.5 आपको चौड़ाई लेनी है। आप थोड़ा मार्जिन ज्यादा रखना चाहे तो उसके लिए आप 10 इंच ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे 1.5 इंच ही लेंगे। अब इसी तरीके से हम एक बॉक्स रेडी कर देना है, लंबाई और चौड़ाई का नाप लेते हुए। तो ये हो गया चौड़ाई और लंबाई का नाप। ये हमने एक बॉक्स रेडी कर दिया है। अब सबसे पहले मैं गले का नाप आपको दिखाऊंगी। तो हमें गले का नाप लेना है 2 इंच। ये जो पेपर की फोल्डेड साइड है वहीं से गले का नाप लेना है। ये पेपर की फोल्डेड साइड है, हमने पूरा कागज लिया है पेपर का। अब मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरीके से फोल्डेड पेपर लिया है पूरा, और ये है वन साइड पेपर की। यहां से हमें गले का नाप लेना है। गले का हिस्सा है 2 इंच का, आप 2 से 2.25 इंच रख सकते हैं। और 2.5 इंच हमें कब रखना है कि जो 38 चेस्ट वाली लेडी है उनका ब्लाउज अगर आप कटिंग कर रहे हो तो आपको 2.5 इंच रखना है, और 34 या 34 वाली है तो उनके लिए हमें 2 इंच ही लेना है। 2 इंच से ज्यादा लेंगे तो शोल्डर डाउन होने की कंप्लेन रहेगी, तो हमें इस तरीके से यहाँ पे 2 इंच गले का नाप लेना है। 3 इंच पे हम रखेंगे शोल्डर,
नॉर्मली हम शोल्डर 3 इंच का ही रखते हैं, इसलिए हमें यहाँ 3 इंच पे शोल्डर रखना है और यहां से 6.5 इंच गला डीप करना है। 6.5 इंच नॉर्मल गला कहलाता है, तो 6.5 इंच तक हम गला डीप करेंगे। आप चाहे तो 6 इंच रख सकते हैं, लेकिन 6.5 इंच नॉर्मल गला डीप होता है। तो हम यहाँ पे 6.5 इंच पर मार्क करके ये बॉक्स हमने नेक के लिए बना दिया है। आगे का फ्रंट गला है, ये फ्रंट नेक है, तो ये हमने फ्रंट नेक के लिए बना दिया है। और यहाँ पे हम राउंड शेप दे देंगे नेक कट करने के लिए, ठीक है। अब बारी आती है आर्म होल की। आर्म होल के लिए फ्रेंड्स हमें इस तरीके से नाप लेना है, जो शोल्डर वाली सिलाई है, जो यहाँ की स्टीच है, वहां पे हमें टैप रखनी है, और यहाँ जहाँ पे जॉइंट है हमारे आर्म होल का, वहां तक हमें नाप लेना है। ये भी ज्यादा खींचना नहीं है, नॉर्मल ही हमें अच्छे से सेट करते हुए नाप लेना है। तो ये नाप हमारा हो जाता है 7.5 इंच। 7.5 इंच यहाँ का नाप हो रहा है हमारा, तो हम इसमें 1/2 इंच प्लस करेंगे तो हो जाएगा 8 इंच। तो हमारा आर्म होल हमें लेना है 8 इंच। आप बोलेंगे 8 इंच कैसे हुआ, तो देखिए हमें इस तरीके से क्रॉस में नाप लेना है। जो हमने 3 इंच पे यहाँ पे मार्क किया है शोल्डर का, वहां से लेकर यहां तक हमें नाप लेना है इस तरीके से, यहाँ पे 8 इंच। यहाँ पे हम 8 इंच का निशान बना देंगे, ये हो गया 8 इंच। देखिए 7.5 हमारा एग्जिट आर्म होल था, हमें उसमें 1/2 प्लस करना है तो हो जाता है 8 इंच। पे मार्क करने के बाद हम इस तरीके से एक और बॉक्स बना देंगे, यहां से लेकर ये वाला जो हमने आर्म होल के लिए रेडी किया है नाप, यहां पे भी हमें आर्म होल का शेप दे देना है। ये स्पेस मैंने 1 इंच की रखी है, 1 इंच की यहाँ पे स्पेस रखते हुए ये शेप देना है हमें। तो ये हो गया आर्म होल, ये हो गया फ्रंट नेक। अब हम देखेंगे फ्रंट बेल्ट, नीचे वाला जो बेल्ट होता है उसका नाप किस तरीके से लेना है। तो ये जो हमारा ब्लाउज है रेडी किया हुआ, उसके नाप से, उसके हिसाब से ही हमें बेल्ट का भी नाप लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है आगे वाला हिस्सा, तो इसका नाप है 2.5 इंच और यहाँ पे होगा 2 इंच। यहाँ अगर 2.5 इंच है तो यहाँ पे हमें लेना है 2 इंच, तो इसमें भी 1/2 इंच प्लस करना है। आगे वाले हिस्से पे 3 इंच कर देना है और साइड वाले हिस्से में हमें 2.5 इंच करना है, क्योंकि कमर बेल्ट क्रॉस में ही होता है, इसीलिए यहाँ पे 3 इंच का नाप लिया है और यहाँ पे 2.5 इंच का नाप लिया है। और इसी तरह यहाँ पे भी एक लाइन खींच देनी है। तो ये हो गया कमर बेल्ट। अब हम इसको कट करेंगे, तो कट किस तरीके से करना है ये देखिए। पहले तो हम ये जो स्क्वायर मार्क बॉक्स बनाया था, लंबाई और चौड़ाई का नाप लेते हुए उसी को डायरेक्टली कट करना है। अब आर्म होल वाला जो हिस्सा है उसे कट करना है।
नेक वाले हिस्से को कट करना है। अब फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को बीच में से कट कर देना है। अभी तो मैं बैक पार्ट को साइड में रखती हूँ और फ्रंट पार्ट को रेडी करती हूँ। तो देखिए, अब ये जो हमारा कमर बेल्ट का हिस्सा है उसे अलग करना है। और फ्रंट पार्ट के लिए जो ये आर्म होल का हिस्सा है इसको हमें हाफ इंच डाउन करना है इस तरीके से। ये हो गया फ्रंट पार्ट के लिए। तो ये हो गया आगे वाला हिस्सा कमर बेल्ट। अब इसको हम साइड में रखेंगे और लेते हैं बैक पार्ट। तो लेंथ जब लेते थे और उस वक्त हमने 2.25 इंच टोटल लेंथ में हमने एग्जिट लेंथ में हमने प्लस किया था। अब बैक पार्ट को 1 इंच नीचे से कट करना है। ये भी मैं आपको बताती हूँ ये मैंने किस लिए किया। तो पहले तो हम 1 इंच का नाप लेंगे, मार्किंग कर देंगे। अब बैक पार्ट को नीचे की तरफ से, नीचे के हिस्से से हमें 1 इंच का नाप लेते हुए कट कर देना है। अब नेक को डिप करना है। आप नेक आप चाहे इतना डिप रख सकते हैं। अभी मैं 3 इंच को डिप कर रही हूं। मैंने नॉर्मल ही 3 इंच का नेक डिप किया है। तो देखिए ये हो गया बैक पार्ट। तो मैंने पीछे से 1 इंच का नाप लेते हुए कट क्यों किया है ये मैं आपको इसका रीजन दिखाती हूँ। तो हमने एग्जैक्ट नाप लिया था तो वो था 13 इंच का। हमारे ब्लाउज का एग्जैक्ट नाप था 13 इंच। नॉर्मली जब हम ब्लाउज स्टिच कर रहे हो तो इसमें सिर्फ 1/4 इंच ही प्लस होना चाहिए। 1/4 इंच का एक्स्ट्रा नाप लेकर हमें कट करना है। तो हमारा एग्जैक्ट नाप हो गया, देखिए लेंथ हो गई 1/14 इंच। तो हमारा हो गया 1/4 इंच का नाप। और यही एग्जैक्ट ज्यादा ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ एक्स्ट्रा स्टिच सिलाई में जाते हुए कपड़ा जो कवर होगा उससे हमारा ब्लाउज एग्जैक्ट 13 इंच के नाप का बनेगा। और ये मैंने पीछे से कट किया है, आगे से कट क्यों नहीं किया। तो आगे जब हम स्टिच करेंगे तो 1/2 इंच हमारे साइड के टक्स होंगे, 1/2 इंच का ये कवर बेल्ट जॉइंट होगा। तो ये कुल मिलाकर ये भी 13 इंच का हो जाएगा। इसीलिए इसमें 1/2 इंच ऐड किया हुआ है और पीछे के हिस्से में सिर्फ 1/4 इंच ही ऐड किया हुआ है। तो ये हो गया हमारा बैक पार्ट, फ्रंट पार्ट और कमर बेल्ट, ये तीनों पार्ट हो गए। अब हम देखेंगे स्लीव किस तरीके से कट करनी है। तो स्लीव के लिए, स्लीव कट करने के लिए हमने फिर से पेपर लिया है, पेपर को फोल्डेड रखा है, देखिए डबल फोल्ड किया हुआ है। और ये है पेपर की फोल्डेड साइड। तो सबसे पहले तो मैंने चौड़ाई कितनी लेनी है। तो हमने जब ब्लाउज में आर्म होल का नाप लिया था तो चौड़ाई 8 इंच रखी थी। तो अब इसमें हम 1/2 इंच और प्लस करेंगे और 8.5 इंच कर देंगे। 8.5 इंच हमें लेनी है चौड़ाई और लंबाई हमारी जो स्लीव है ब्लाउज की उसके हिसाब से लेनी है। हमारे ब्लाउज की स्लीव 3.5 इंच की है, 3.5 इंच की लेंथ है स्लीव की। तो हम अगर अस्तर वाला ब्लाउज बना रहे हैं तो 1/2 इंच प्लस करेंगे यानी कि 4 इंच कर देंगे। और अगर आप सादा ब्लाउज स्टिच कर रहे हैं, अस्तर नहीं डाल रहे हैं ब्लाउज में, तो आपको टोटल 1.5 इंच प्लस करना है। लेकिन अब यहाँ अभी हम 4 इंच की ही लेंथ रखेंगे अस्तर वाले ब्लाउज के नाप के हिसाब से।
तो यहां भी हम बॉक्स बना देंगे। ये हो गई लेंथ 4 इंच और ये हो गई चौड़ाई 8.5 इंच। यहां से हमें 3 इंच पे डाउन करके यहां पे 3 इंच पे मार्क करना है। ये हो गया 3 इंच। यहां से हम 2 इंच का नाप लेंगे, ऊपर से भी 2 इंच का नाप लेना है। और इस तरीके से हम एक फिश का शेप देंगे। ये डिस्टेंस हमें रखना है 1 इंच का। और इस तरीके से एक पत्ती पत्ती का शेप दे देंगे यहां पे हम स्लीव के लिए। ये चाहे तो नाप आप 2.5 इंच कर सकते हैं। अगर ये पार्ट आपको छोटा नहीं पसंद तो आप इसको इस स्पेस को 2.5 इंच का कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली मैंने 3 इंच का रखा है और नॉर्मली 3 इंच का ही रखा जाता है। नीचे से चौड़ाई आप ब्लाउज के हिसाब से रख सकते हैं। 7 इंच की चौड़ाई है तो 1.5 इंच आप मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा रख सकते हैं। तो अब हम स्लीव को भी कट कर देंगे। सबसे पहले जो ऊपर वाली लाइन है उसको हमें कट करना है। अब स्लीव को खोलते हुए फिर हमें अंदर वाली लाइन को कट करना है। तो ये हो गया स्लीव का पेपर कटिंग रेडी। अब फ्रेंड्स हमने पेपर कटिंग को तो बिल्कुल रेडी कर दिया है, लेकिन फ्रंट पार्ट में टक्स किस तरीके से लेने हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये है आगे के नेक वाली नेक वाला पार्ट है। यहां से हमें टक्स का नाप लेना शुरू करना है। तो आगे के नेक वाला जो पार्ट है वहां से हमें 4 इंच पे मार्क करना है। यहां से 2.5 इंच, दोनों साइड वाले टक्स हम ऐसे ही लेंगे। जो बीच वाला मेन टक्स है उसके हिसाब से सीधी लाइन खींचनी है, और जो ऊपर वाला कोने वाला जो हमारा टक्स है वो भी हम इसी तरीके से लेंगे। ये हो गए हमारे 4 टक्स। मेन टक्स ये होगा जो बीच वाला है, ये तीनों हम यू ही इसके हिसाब से ले सकते हैं। और इसके ये बात मैं आपको स्टिचिंग की वीडियो में फिर से जरूर दिखाऊंगी। तो अभी के लिए फ्रेंड्स हमारा सिंपल 4 टक्स ब्लाउज पेपर कटिंग रेडी हो चुका है। ये है फ्रंट वाला हिस्सा, ये है इसका बेल्ट, ये है बैक पार्ट और ये है स्लीव का हिस्सा। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।